आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आपके चैनल के माध्यम से सभी को शुभकामनाएं संक्रांति की। देखिए, काला तिल तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण जो है दान करने की एक वस्तु है, लेकिन संक्रांति के समय काले तिल के दान का महत्व ये है, क्योंकि जो है शनि का जो द्रव्य होता है वो काला होता है, तो इससे संबंधित जो चीज है वो काला तिल है। दूसरी बात, जब प्रकृति मोड़ लेती है, परिवर्तन लेती है अपने मौसम में, तो उस समय काले तिल का सेवन करना वो बहुत लाभदायक स्थिति बनाता है। इसलिए काला तिल दान का बहुत महत्व है। वैसे भी अन्य पुराणों और ग्रंथों में भी काले तिल के दान की महिमा है। तो पहली बात तो ग्रहों के अनुकूल दान का महत्व हो गया, परिवर्तन सम प्रकृति का हो गया, उसमें तिल खाने से जो शारीरिक व्यवस्था है वो बनी रहती है, दूसरा महत्व ये हो गया। तीसरा महत्व, तिल अपने आप में एक उत्तम जो है श्रेष्ठ अनाज है, जिसका किसी भी पर्व में किसी भी समय दान करने का बड़ा भी महत्व बताया गया है। बिल्कुल, देखिए संक्रांति में अलग अलग चीजों के दान का महत्व है, जैसे गुड़ का भी दान करना चाहिए, तिल का भी दान करना चाहिए। उत्तर भारत में चिवड़ा दान करते हैं लोग, है ना, और दही भी दान करते हैं लोग। कहीं कहीं संक्रांति में खिचड़ी की भी बड़ी महिमा है, खिचड़ी लोग बनाते हैं, खिचड़ी का दान करते हैं, खिचड़ी बांटते हैं, खाते भी हैं। तो खिचड़ी देखिए दो चीज है, एक तो स्वास्थ्य की दृष्टि से खिचड़ी महत्वपूर्ण है, दूसरी बात खिचड़ी में जो दाल पड़ती है ना, खिचड़ी में जो वस्तुएं पड़ती हैं वो सब प्रकृति के हिसाब से बड़ी ही व्यवस्थित तरीके से काम करती हैं। इसलिए अलग अलग प्रांतों में अलग अलग वस्तुओं को दान का विशेष रूप से महत्व है, और लमसम यह है कि ऐसा देखा गया है कि सभी प्रांतों में गुड़ का, तिल का, खिचड़ी का विशेष रूप से दान करने की परंपरा है, और इसमें जो है संक्रांति में इसका अत्यधिक महत्व बताया गया।